अरे मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं धनिया। अरे मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं धनिया धनिया। टन टन का धनिया पहचानती हो? पहचान तो रही होगी, भूल कैसे जाओगी। तुम्हारा खेत में से जब हम धनिया चुराने गए थे तो तुम्हारे पापा हमको मार के भगा दिए थे दुल्लप्पड़। कहते हैं कि भागो यहाँ से, छोटा जात वाला बड़ा जात के पास नहीं आएगा। लेकिन हम तुम्हारे पापा को कह देना चाहते हैं कि जात पात से कुछ नहीं होता है धनिया, समझी। इंसान के अंदर ग्रेविटी होना चाहिए, इमोशन होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, ट्रूथ ट्रूथ। आज देखो यही ना बोले थे तुम्हारे पापा कि तुम निठल्ला आदमी क्या करेगा। आज अपना गाँव में बहुत सारा हम भैंस पाल लिए हैं, ये सब अपना भैंस है, इसको जानती हो। रांची में जा करके तो दूध फैक्ट्री खोल रहे हैं, समझी। वहाँ जा करके सारा हम बेचते हैं वहाँ पर ही। इस तरफ तो खाली भैंसे रखे हैं, कम से कम यह जानती हो कितना, 1500 भैंस है पूरा, एकदम उधर तक है पूरा 1500 भैंस इधर है। अब 15 × 30 3000 गाय उधर है मेरा, समझी। खाली कैमरा उधर घुमाएंगे लेकिन नहीं घुमाएंगे कैमरा, तुमको पता है काहे नहीं घुमाएंगे, क्या कि तुमको भैंस से बहुत प्यार था। और तुमको पता है ना कि जब तुमको प्यार है हमको भी प्यार है, इसलिए भैंस के सामने हम वीडियो बना रहे हैं। एक चीज़ तुम्हारे पापा हमको बोले थे कि तुम्हारे ऐसा लौंडा जिंदगी में कभी रोजगार नहीं ले सकता है। आज हम रोजगार पैदा करते हैं, पापा को ये जाके बोल देना तुम अपने पापा को। क्योंकि यार सब कुछ नौकरी नहीं है, नौकर बनने के लिए हम पैदा भी नहीं लिए थे। लेकिन हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि नौकर बनना खराब चीज़ है, लेकिन हम हमारा ज़िंदगी का लक्ष्य अलग था, गोल अलग था, समझी। तो हर आदमी का होता है यार, तुम्हारे पापा इतना नहीं समझ पाए। अब बताओ, दाल भात चोखा खा रहे थे, धनिया की चटनी खाने का मन कर गया था, थोड़ा सा धनिया लाने चले गए थे हम, लेकिन तुम्हारे पापा इतना नहीं सोचे मेरे लिए। तुम्हारे पापा बस ये सोचे हैं कि तुम धनिया क्यों चुरा रहा है मेरा खेत में से, तुम्हारा कुछ औकात नहीं है। आज लो औकात बना लिए ना, आज बना लिया औकात। अच्छा एक बात बताओ हमको, तुम प्यार तो तुम हमसे करती हो आज भी, हाँ। खाली पापा तुम्हारे गुस्सा होते हैं, एंग्री मैन है ना तुम्हारे पापा, तो इसलिए तुम नहीं आती हो हमारे पास। तो अब हम तुमको कहना चाह रहे हैं कि तुम अपने पापा से रिक्वेस्ट करेगी मेरे लिए, एक बार रिक्वेस्ट करो ना, बोलो ना उनको कि मेरा फैक्ट्री हो गया, अब हम लोग काम देते हैं। अरे महीना का बहुत पैसा कमाते हैं, मतलब समझो कि 3-4 लाख रुपए महीना का हम कमा लेते हैं, समझी। तो तुम अपने पापा को खाली एक बार कन्विंस करो ना प्लीज, काहे कि हम तुमको अंदर से अंदर बहुत तुमको याद करके हम मोटिवेट होते थे। हमको लगता था कि हमको तुमको पाना है, इसलिए हम तुम्हारे पापा को दिखाना चाहते हैं कमा करके हम, इसीलिए मतलब हम इतना सारा कुछ पाले हैं। तुम आएगी तो हम तुमको अपना बकरी का भी ग्रुप से मिलाएंगे, बकरी मेरे पास 5000 बकरी है, बकरी का भी दूध बहुत लोग को ठीक होता है, बहुत गोड़ का दर्द वगैरह ठीक हो जाता है बकरी के दूध पीने से, बहुत ताकत आता है उसमें से। प्लीज़ एक बार खाली रिक्वेस्ट करो ना पापा से अपने, हमको तुम्हारे साथ जीवन बिताने का बहुत मन करता है, हमको लगता है कि हम और तुम बहुत अच्छा से पूरा लाइफ खुशी खुशी जी सकते हैं। हम आज़ादी के साथ जीना चाहते हैं, तुमको भी आज़ाद रखेंगे। एक बार प्लीज़ बात करना ना, कितना मेहनत हम तुम्हारे लिए ही किए हैं, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।